ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। जी हाँ, इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू भी इल्जाम लगाते रहे ने कि कांग्रेस पार्टी दे विच 75 ते 25 दी मैच फिक्सिंग चल रही है। उस तो बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक बहुत वड्डा इल्जाम अपनी ही पार्टी दे खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ते लगा दिता। उन्होंने अपनी फेसबुक पेज ते हाल च ही एक पोस्ट पाई जिस च मनप्रीत सिंह बादल कुछ लोगों नू चेक वंडदे नजर आउंदे ने, जिदे विच अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लिखदे ने कि अज ये जान के मन दुखी होया है कि अकाली दल दी मिली भगत दे नाल कांग्रेस पार्टी विच आए खजाना मंत्री मनप्रीत बादल शरेआम अकाली दल दे लोगों नू 15-15 लाख दे चेक दे के हौसला अफजाई कर रहे ने। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? याद रखना, कांग्रेस विच रह के अकाली दल दी सपोर्ट करना तुहाडा राजनीतिक जीवन तबाह कर देवेगी अते पंजाबी इस गल नूं भुलणगे नहीं। पिछले 4 साल दे तुहाडे वित्त मंत्री दे तौर ते करे कमां ने पंजाब दे हर वर्ग नूं कांग्रेस सरकार दे विरुद्ध धरने मुझारे करन दे लई मजबूर कर दिता है। कल ही तुहाडे हलके दे विच हजारां दी गिनती विच पंजाब दे मुलाजम तुहाडा विरोध करके गए ने। कांग्रेसी आगुआं ते वर्करां नूं वी हुण तुहाडी 75 ते 25 वाली खेड समझ आउण लग पई है। हुण इस तों पार्टी दे आगुआं ते वर्करां नूं बचण दी जरूरत है। सो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिथे मनप्रीत सिंह बादल ते अकालिया नाल मिली भुगत दे इल्जाम तां लगाए ही ने, उत्थे ही उन्हां दी 4 सालां दी कारगुजारी ते वी सवाल चुके ने। जदों NC7 न्यूज़ वल्लों राजा वड़िंग नाल संपर्क करन दी कोशिश कीती तां अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नाल फोन ते संपर्क संभव नहीं हो सकिया। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी अते विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ते लुधियाना विच जबर चुनाव का मामला दर्ज कर लिया गया है। सिमरजीत सिंह बैंस खिलाफ यह मामला IPC की धारा 376, 354, 354A, 506 अते 120B तहत दर्ज किया गया है। इस FIR दे विच विधायक सिमरजीत बैंस समेत 7 लोगों नू नामजद किया गया है। अजे तक विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दस्सिया गया है कि कुछ महीने पहला एक औरत दे वल्लों सिमरजीत बैंस ते शरीरिक शोषण करन दे दोष लगाए गए सन। इस मामले दे विच लुधियाना दी अदालत ने सिमरजीत बैंस ते लुधियाना पुलिस कमिश्नर नू FIR दर्ज करन दे हुक्म जारी किए सन। पंजाब दे सरकारी डॉक्टरां दे वल्लों अज तों 3 रोज़ा हड़ताल यानी कि 12 तों 14 जुलाई तक करन दा ऐलान किया है। इस दौरान OPD सेवावां बंद रहणगियां। हालांकि लोक हित दे विच एमरजेंसी अते कोविड आदि सेवावां जारी रखण दा ऐलान किया गया है। डॉक्टरां ने सूबा सरकार दे वल्लों अपने मुद्दियां दा हल ना किए जाण ते 19 जुलाई नूं अणमिथे समय दे लई हड़ताल ते जाण दी चेतावनी दित्ती है। दस्सियोग है कि रेवेन्यू अफसर एसोसीएशन, रेवेन्यू कनगो एसोसीएशन अते पटवार एसोसीएशन ने भी पंजाब सरकार दे 6वें तनखा कमिशन नूं नकार दिता है। कहिंदे ने जेकर मन च कुछ सिखण दी इच्छा होवे तां कोई भी उमर मायने नहीं रखती है। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ PCS ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ 63 ਸਾਲਾ ਸਰੋਜਨੀ ਗੌਤਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ PCS ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ HMV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜਨੀ ਨੇ GNDU ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ B-Walk ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 352 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
लगातार एक महीने की गर्मी के नाल पुजे लोगों नूं अज बाद दोपहर मीह की आस बजी। आस पास के इलाकों पई बारिश कारण भावें हवा तो सवेर तो ही ठंडी चल रही थी, पर धुप कारण तपस विच भोरा भार भी घाट नहीं विखाई दिती सी। दोपहर वेले आसमानी चढ़ी काली कटा ते हनेरे कारण लोगों ने सुख का सा लिया ते बारिश होने नाल लोगों नूं गर्मी तो भी राहत महसूस हुई है। तस्वीरां पटियाला दे राजपुरा तो सामने आईयां ने। खेती कानूनां खिलाफ किसानां दा रोह वधदा जा रहा है। किसान जथेबंदियां दे वल्लों इस मुद्दे उत्ते लगातार भाजपा आगूआं दी घेराबंदी कीती जा रही है। अज पटियाला दे राजपुरा दे विच किसानां ने बीजेपी आगू भवेश अग्रवाल नूं घेर लिया ते काफी धक्का मुक्की कीती गई है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल दे नाल भाजपा आगू नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया। किसान पुलिस वल्लों रोकण दे बावजूद इस भाजपा आगू नाल धक्के मुक्की कर रहे सन।